नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं सुनील। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो कि शक्ति को बुलाती है। आखिर कैसे और क्या इसका उपयोग करते हैं, यह भी आपको बताएंगे। दरअसल हिंदू घरों में धूप और दीप देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धूप देने से मन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। मानसिक तनाव में इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य ज्योतिषी टोटके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे ही कुछ उपाय या टोटकों को जिनको आजमाने से चमत्कारिक लाभ पाया गया है। और ये सिर्फ हमारा अनुभव नहीं है, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने ये बताया है कि आखिर इसका उपयोग करने से हमें चमत्कारिक रूप से लाभ मिला है। कोर्ट कचहरी की बात हो, मुकदमे की बात हो या कर्ज की समस्या हो, तो 9 दिन देवी के समक्ष गुग्गल की सुगंध की धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं व दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है। जब ये समझिए कि गुग्गल की सुगंध की जो धूप रहती है उससे इतना असर होता है, तो जब हम बात करेंगे इससे आने वाली चीज की, शक्तिशाली चीज है जो, उससे आखिर कितना फायदा होगा, तो उसका नाम है लोभान। लोभान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोभान का इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा कि दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोभान को जलाने के कुछ नियम होते हैं। इसको जलाने से परलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अतः लोभान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से आप जरूर पूछ सकते हैं। और यदि खास दिनों की हम बात करें तो गुरुवार के दिन इसकी समाधि विशेष पर लोभान जलाने से परलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। किसी खास की समाधि है तो वहां जाकर आप लोभान जला सकते हैं और इसके बाद ये कहा जाता है कि जो मदद है वो मिलनी शुरू हो जाती है। लोभान दरअसल पेड़ से निकलने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है, खुशबू के लिए और इसकी धूप भी दी जाती है, लेकिन इसके अलावा इसके आखिर और क्या कुछ फायदे हैं? जिनके घर में हमेशा कलेश रहता है, दुख बना रहता है, पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, बच्चों को नजर लगती रहती है, अगर आप यहां सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों को नजर लगती है, तो मैं यहां आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही नजर लगती है। कई ऐसे बड़े हैं जिन्हें नजर लगती है। कोई नकारात्मक शक्ति हो जिसके कारण सर हमेशा भारी रहता है, और आपने ये शिकायत सुनी होगी कि कई ऐसे लोग हैं, अधिकतर महिलाएं ऐसी रहती हैं कि वो ये कहती है दिन भर की थकान के बाद कि सर भारी हो रहा है, सर दुख रहा है, क्या किया जाए, चिड़चिड़ापन भी बना रहता है और घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो समझ जाइए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है। जिस समाज में हम रहते हैं वहां अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। हर व्यक्ति की तरफ ऐसी कितनी ही आत्माएं हैं जो कि अपना काम करती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सभी के अपने अपने दायित्व हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं जिसके माध्यम से वो काम करती हैं। या तो फिर ये कहा जा सकता है कि हर तरह की शक्ति अपना अपना प्रभाव डालती है। तो लोभान जब आप जलाते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, या मैं ये कह लूं कि एक सकारात्मक ऊर्जा जो रहती है, जो कि हर मनुष्य को, हर इंसान के लिए बेहद आवश्यक होती है, वो सकारात्मक एनर्जी को लोभान अपने और आकर्षित करती है, जिससे जो भी इष्ट देव हैं वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं और वो आते हैं, और कहते हैं कि जब वो आते हैं तो वो आपकी मदद भी करते हैं। ऐसे नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर हो जाती हैं। लोभान की खुशबू से पॉजिटिव एनर्जी तो आपके घर में बढ़ ही जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम दूसरी ओर नजर डालते हैं या दूसरी ओर देखते हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो बिल्कुल लोभान की खुशबू को सहन नहीं कर पाती। अगर आपने अपने घर में कभी लोभान की धूप दी होगी, तो अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो कि दी होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि आखिर लोभान की खुशबू बहुत अच्छी रहती है, मनमोहक रहती है, पवित्र रहती है। अगर आप किसी ने आप पर काला जादू किया है, तो लोभान की खुशबू आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। इस बात की जानकारी हमें हो जाती है, अगर आप लोभान जलाते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, ये तो तय बात है। और जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है, मनमोहक लगने लगती है। तो समझ जाइए कि जिसने भी जो भी आपके ऊपर जादू किया है या काला जादू किया है तो वो अब लगभग दूर हो गया है। हालांकि यह कोई एक स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन घर में सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को ये बढ़ाता जरूर है। तो इसके अलावा आज एक हम और बात करने वाले हैं जो कि लोभान के कुछ प्रयोग भी हैं। जैसे कि आपके घर से यदि कोई रूठ के चला गया है, हर कोशिश की जाती है, उसकी फोटो पेपर में छपवाते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देते हैं कि आखिर हमारा फलाना व्यक्ति लापता हो गया है या कहीं चला गया है, वापस आ जाए, देवी देवता के चक्कर लगाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, सवारियां भी बैठती हैं कि आखिर ऐसा क्या कोई है जो हमारे व्यक्ति को वापस बुला सकता है। तो एक शक्तिशाली उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कंडे के ऊपर लोभान दीजिए और उस व्यक्ति जो कि गया हुआ है उसके कोई कपड़े आपके घर में हो या उससे जुड़ी कोई चीज आपके घर में हो तो लोभान का धुआं उसे दीजिए और फिर प्रभु से प्रार्थना करिए कि जो व्यक्ति वापस गया है उसे हमारी याद आए और जो भी गलती यदि हमसे हुई है तो प्रभु उसे आप दूर करें। तो कहने का आशय यहां पर यह है कि यदि गलती आपकी होती है तो वो जरूर दूर हो जाएगी, लेकिन ये जो प्रयोग है वो इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति गया है तो उस व्यक्ति को आपके अलावा कोई और नजर नहीं आएगा। सुबह शाम दिन रात उसके मन में एक अलग जग जाएगी कि मुझे वापस जाना है। और इस तरह जो ये प्रयोग है वो काफी शक्तिशाली है, कई लोगों का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ और रोचक और धार्मिक जानकारियां लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।